अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसा है आज का दिन? उम्मीद ये है कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा आप सबके लिए। और ये देखिए मैंने क्या किया है, मैं इस तरह से ये गोभी बनाकर आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक पैन में पानी ले लिया है, थोड़ा गहरे पैन में, और इसके बाद इसको पहले गोभी को मैं इस तरफ से मैंने पका लिया है, जैसे नरम हो गई है बिल्कुल, और अब उल्टी साइड से इसको, सीधी साइड से मैं इसको बना रही हूँ। तो अब जब ये बिल्कुल नरम हो जाएगी ना, तब मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी। इसके अलावा एक गोभी आपको पता है ये और मेरे पास रखी है, तो दो गोभियों का ये एक सेट बनने वाला है। आने वाले हैं कुछ मेहमान और उनके लिए, और बाकी ये जो इस तरह से ये जो हो जाता है, आप इसको हल्के हल्के से करके गोभी में से धोकर और फिर साफ कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो शुरू करते हैं ये रेसिपी। मैंने आपको बता दिया है कि गोभी को मैं इस तरह से पहले बॉईल कर रही हूँ, और बॉईल करने के बाद मैं उसके साथ क्या करूँगी ये आपको बता दी। ये देखेंगे मैंने अब गोभी को बॉईल करके, बॉईल नहीं है, इस तरह आधे ही पानी में, जिस तरह पैन में मैंने आपको बताया इसी तरह करना है, आधा आधा करके। और अब मैं इसको आराम से यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी, जब तक कि इसके ये धुआं आना बंद ना हो जाए। गर्म हो नो प्रॉब्लम, पर इस तरह धुआं नहीं उठना चाहिए। अब हम इसका बैटर बना लेंगे, जो बैटर हमने इसके ऊपर लगाना है। आप पूछेंगे कि भाई ये ईद पे गोभी क्यों बन रही है? ईद पे गोभी इसलिए बन रही है कि जो मेहमान आ जा रहे हैं वो वेज हैं, ठीक है, वेजिटेरियन मेहमान आ रहे हैं, तो हमने कुछ वेज चीज़ें बनाई हैं। ये मेरे पास कोई 50 to 60 ग्राम्स जो है वो बटर है। बटर के अंदर ये मैं फ्रेश डेल जो होती है ये काट कर मैं डाल दूंगी, ठीक है। अब इसमें क्या डलेगा ये भी देखें। अच्छा, ये सॉल्टेड बटर है, थोड़ी सी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा और नमक, क्योंकि मैंने गोभी में बिल्कुल भी नमक नहीं डाला है, क्योंकि हमारा बटर भी जो है वो सॉल्टेड है, और गोभी में भी जो है वो मैंने नमक नहीं डाला, तो थोड़ा सा नमक जो है वो उसमें बनता है। अच्छा, मैंने इसके अंदर अभी थोड़ी सी हल्दी भी मिलाई है कलर के लिए, ताकि कलर अच्छा लगे, और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी मिला दिया है। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह की मिक्स्ड हर्ब्स हैं तो आप जो है वो थोड़ी सी डाल सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। बस हर्ब्स से ऐसा होगा कि अच्छी खुशबू आएगी इसमें से। अब ये जो हमारी गोभी है इस पर हमने क्या करना है, अभी इसमें से हल्का धुआं फिर भी निकल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जो है वो लगाती हूँ, नो प्रॉब्लम। वैसे भी मेरे पास भी पता है क्या टाइम नहीं है, सच्ची बात तो ये है, जल्दी जल्दी से लगा कर और फिर दूसरा काम करना है, मेहमानों के आने का टाइम हो रहा है। देखेंगे, मैंने लिया और ये मैं अंदर की तरफ इसको इस तरीके से करके थोड़ा थोड़ा करके जो है वो गिराऊंगी अंदर की तरफ, ताकि जो हमारी गोभी जो अंदर से जो है वो इसके अंदर मसाला जो है वो चला जाए अच्छे से, बटर इसके अंदर चला जाए अंदर। देखा आपने, अच्छे से जो है वो बटर को भर भर के चम्मच के अंदर जो है वो आपने इसके अंदर डालना है। अब अच्छे से इसमें बटर जो है वो अंदर तक जो है चला जाएगा, ठीक है। इसका हमें कोई काम नहीं है, तो इस पर हम कोई मसाला वगैरह नहीं लगाएंगे जो इसकी स्टेम है, लेकिन हमें बटर अंदर तक इसमें डालना है। अब हमारे पास एक ये ब्रश है, ऑयल अप्लाइंग ब्रश, उसको लेके मैं पूरा अच्छे से इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड करूँगी बटर को, ठीक है, सब जगह पे अच्छे से बिल्कुल आपने लगाना है। मेरे किचन के मेस पे मत जाएं, आज किचन में बहुत ज़्यादा मेस किया है मैंने, बिकॉज़ जल्दी जल्दी से मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा ये देखें, ऊपर से इसके लिए भी हमने डाला है, बस मसाज करना है इसको अच्छा सा ये बटर लगाकर, ठीक है। ये देखें आप, मैंने अच्छे से हाथ से भी इस पर अच्छा सा बिल्कुल मसाज करके अब ये अंदर बाहर सब जगह इसको जो है वो अच्छे से लग चुका है। दूसरी वाली गोभी को भी हम इसी तरह से लगा लेंगे सारा। साथ ही साथ हमने अभी जो है वो शुरू कर देनी है हुम्मस बनाने की तैयारी, क्योंकि इस डिश में हुम्मस लगेगा। तो ये मैंने पूरा एक जो डब्बा होता है कैन चिक पीस का, वो इसके अंदर डाल दिया है। दो अदद हरी मिर्चें, तीन गार्लिक क्लोव्स, साथ ही साथ थोड़ा सा तहीना,
जिसको तहीनी भी कहते हैं, अंदाजे से डाल रही हूँ, आधे कप के करीब। साथ ही साथ एक अच्छा बड़ा लेमन आपने इसके अंदर डालना है, बड़ा वाला। थोड़ा सा ओलिव ऑयल, सॉल्ट पेस्ट, ये देखें मज़ेदार क्रीमी हुम्मस तैयार है। आप नॉर्मली, वैसे तो मैं ये अभी तो आज तो इस डिश के लिए बनाया है, नॉर्मली यही तरकीब है हुम्मस की, बस इस तरह करके आपने इसके अंदर एक चम्मच चलाना है, थोड़ा सा ओलिव ऑयल डालना है और थोड़े से चिक पीस आपने ऊपर से डाल देने हैं। आपका हुम्मस बिल्कुल तैयार है। लेकिन आज ये अभी इस डिश के लिए बनाए, जो कॉलीफ्लावर की मैं डिश बना रही हूँ, ये एक तरह से बेड ऑफ हुम्मस पर ये कॉलीफ्लावर जो है वो बिछाई जाएगी। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि मैं भूल गई कि मुझे वीडियो बनानी है। अलबत्ता ये जो थोड़ा बहुत रखा हुआ है इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने गोभी को स्टेक्स की तरह काटा और जो साइड में से टूट जाती है उसको भी इसी तरीके से मक्खन में फ्राई कर लिया है। जो मक्खन उस पर लगा था उसके अलावा थोड़ा सा और डाला है। ठीक है, अब बताती हूँ मैंने डिश क्या बनाई। ये है वो डिश जो कि थोड़ा सा, ये देखें, ये मैंने बेड ऑफ हुम्मस, ये जो मैंने इसके अंदर डाला है, जो हुम्मस बनाया था उसका बेड लगा कर और फिर फ्राई कर करके, ये देखें स्टेक है, पूरा पूरा फूल मैंने निकाला, ये देखें इस तरह, और जो बाकी का जो टूट जाता है वो इस तरह से मैंने रख दिया। बस अब इसके ऊपर जो है वो डिल की ड्रेसिंग होगी, गार्निशिंग होगी, सॉरी ड्रेसिंग नहीं, गार्निशिंग होगी। और ये हमारी मज़ेदार जो है वो क्या कहूँ इसको मैं, कॉलीफ्लावर स्टेक ऑन द बेड ऑफ हुम्मस, ये वाली डिश का नाम होना चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह बनाती हूँ, बहुत से लोग शौक से खाते हैं। आप लोग भी बनाएं अपने घर पे। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी नहीं लगी होगी यकीनन, क्योंकि मैं थोड़ा सा वीडियो बनाना भूल गई, सॉरी।